Zombie Apocalypse. स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस पे। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। हाँ, इस डायपोल वर्ड पर भी जोर देना है। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को आज हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। यस, तो सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं। आज बेसिक तैयार करेंगे, ठीक है, पहले की तरह पहले टॉपिक का बेस तैयार करेंगे, फिर टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो एंड तक बने रहो निखिल सर के साथ, कॉपी पेन निकाल के बैठो। टॉपिक समझते हैं क्या, डायपोल को वी आर गोइंग टू प्लेस। अब हम डायपोल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं। ओ डायपोल सर, डायपोल तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में चैप्टर सेकंड के अंदर हमने पढ़ा, चैप्टर फर्स्ट के अंदर, सॉरी, चार्ज एंड फील्ड के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय डायपोल हैविंग टू पोल्स, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू एल। यस, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्यारे बच्चों, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, कॉन्स्टिट्यूट्स एन डायपोल। ए डायपोल हैविंग ए डायपोल मूवमेंट, कब वो घूमेगा, कब वो डायपोल घूमेगा, कब पंडे जी, जब आप उसको किसी फोर्स में रखने जा रहे हो, किसी फील्ड में रखोगे तब वो घूमेगा ना। अरे घूमने से सर, जब कोई चीज घूमती है तो फिजिक्स के अंदर रोटेशनल मोशन जुड़ता है, और रोटेशनल मोशन जब दिमाग में आता है तो टॉर्क का कंसेप्ट आने वाला है। हाँ, आज किस लेक्चर में टॉर्क की बात होगी। और सर, जब किसी बॉडी को हम ऐसे फोर्स लगाएं और वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करें, तो उसके अंदर जो है क्या हो रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कोई रोटेशनल मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उस चीज को भी हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक आपने समझा कि हमारे पास एक डायपोल होगा, ए पेयर ऑफ टू इक्वल, ए पेयर ऑफ जैसे कि माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू एल। नीचे क्या है, बोर्ड पर क्या लिखा है, अभी वो मत समझिए, पहले समझिए, मैं बता रहा हूं। एक डायपोल को हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, और जब आप डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। और पिछले लेक्चर में बड़े गजब तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को फोड़ डाला, ठीक है। तो किसी चीज में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कब होती है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, समझ लो, यही पूरे लेक्चर का बेसिक पॉइंट ये है, बेस है, जड़ है, इस जड़ को समझो, सारा लेक्चर आखिर तक सीक्वेंस में समझ में आएगा। किसी चीज में पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर्ड होती है, जब आप कोई वर्क डन करते हैं किसी फोर्स के अगेंस्ट, किसी फील्ड के अगेंस्ट। मैं यहां जाना चाहता हूं, सामने से मुझे कोई आने नहीं दे रहा है, मुझे फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जा रहा हूं, ठीक है, एक सिस्टम बना रहा हूं, तो मैं एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड करवा रहा हूं, एक फोर्स लगा के, हम लगा के, एक एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि हम, जब बाहर से कोई बंदा किसी ताकत को रोकने के लिए इक्वल अमाउंट में जितनी वो लगा रहा है उतनी अमाउंट में अगर मैं फोर्स लगाऊं ताकि एक्सेलरेशन जीरो आए, इस चीज को ध्यान में रखना, एक्सेलरेशन जीरो होगा तब हम क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट स्मॉल कांस्टेंट स्पीड से हम आएंगे, आराम आराम से आएंगे, ताकि वो जितनी फोर्स से मेरे को धकेल रहा है मैं भी उतनी फोर्स से उसके पास जाऊंगा, एक्सेलरेशन जीरो आएगा, कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, तो सर ने बोर्ड पर बनाए हैं प्यारे बच्चों सीन वन सीन टू, तो सीन टू को पहले समझेंगे, सीन वन को मैं बाद में समझाऊंगा करना क्या है, ठीक है। तो ये चीज तो दिमाग में बैठ गई ना कि किसी चीज में पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होगी, सर मैं जब किसी सिस्टम को किसी ताकत के अगेंस्ट, किसी फोर्स के अगेंस्ट, फील्ड के अगेंस्ट, जब मैं उसको क्या करूंगा उसको मूव कराऊंगा, मतलब वो चाहता है ऐसे कर, लेकिन मैं नहीं चाहता वो ऐसे कर, मैं तो मेरे हिसाब से चाहता हूं कि उसके अगेंस्ट कराऊं। तो जब मैं किसी चीज के अगेंस्ट कोई काम करता हूं ना, तब वो सारा मेरे द्वारा किया गया वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पांडे जी सीन टू समझते हैं, आइए। सर ने एक डायपोल लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू एल, ठीक है, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे समझिए। एक दो तीन चार पांच लाइनें ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सर क्या ये लाइनें मैं घर से उठा के लाया हूं क्या, जो लायर पांच लाइनें यहां छोड़ दी, अरे थोड़ी, क्योंकि आपको डायपोल किस में रखना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड में, और सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो लेकिन सबसे पहले तो हमें सर ये बताइए कि हाउ दिस एक्सटर्नल फील्ड इज क्रिएटेड, ये फील्ड बना कैसे, लाइन रख कैसे दिए। अरे यार सिंपल सी बात है, नॉलेज होगी आप सभी को, एक पॉजिटिव चार्ज की सीट रखूं, एक यहां सीट रखूं पॉजिटिव चार्ज की, सपोज करो या बना नहीं रहा ताकि थोड़ा सा भीड़ भाड़ सा इलाका हो जाएगा, ठीक है। हाँ इतने आप समझदार हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन अगर मुझे बनाना हो तो हाउ आई कैन क्रिएट, कैसे क्रिएट कर सकता हूं। एक पॉजिटिव चार्ज की सीट और उधर एक नेगेटिव, मतलब ये सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज की लाइन, एक नेगेटिव लाइन ऐसे श्यू श्यू श्यू, तो ये रीजन जा रहा है किसका, फील्ड का। अब फील्ड बना दिया, सपोज करो ये लाइन थी, डायपोल नहीं था, अब हमारे पास डायपोल है, ये हमारे पास माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, टूअल डिस्टेंस, डायपोल को उठाया 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 ऐसे, और इसके अंदर ऐसे रखा, ऐसे नहीं रखा, मतलब मैंने इसको एक आर्बिट्रेरी पोजिशन पे रखा, आर्बिट्रेरी कोई भी पोजिशन, मतलब मैंने इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो, देख पा रहे हो ना, ये थीटा एंगल किसके बीच में है, ये थीटा एंगल जो है ये है डाइपोल मूवमेंट, पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, थीटा पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। सीन वन तो नहीं देख रहे हो ना, सीन वन नहीं देखना है, सीन टू देखोगे तो अब सीन वन समझ में आएगा, दृश्य टू, ठीक है ना। हाँ तो अब तक क्या बताया सर ने, बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब एक बात बताइए, इस डायपोल को आपने टेढ़ा करके थीटा एंगल पर छोड़ा है, तो इसको अब इसके ऊपर इस डायपोल के इन दोनों इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस पर फोर्स लगना शुरू हो गई। अब ये जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स मैं लगा रहा हूं, कोई एजेंट लगा रहा है, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है जो आपने क्रिएट किया है। सर यहां पर इस डायपोल के इस पॉजिटिव चार्ज पर, ये ऊपर वाला जो एंड है इस पर फोर्स, ये पॉजिटिव, इसको रिपल मारेगा इसको ऐसे श्यू, तो ऊपर सर ने फोर्स लिख दी प्लस क्यू, माइनस क्यू चार्ज को सर ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेगा माइनस क्यू ही, तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है। सपोज कीजिए ये डायपोल, इस डायपोल को एक फोर्स जो है उधर खींच रही है, साथ साइमल्टेनियसली नीचे इधर, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, ये तब तक घूमेगा अंटिल जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या तो पैरेलल नहीं हो जाता या एंटी पैरेलल, क्योंकि इस दुनिया में हर अनस्टेबल चीज स्टेबल होना चाहती है। तो अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाएगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके दोनों चार्जेस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो इस चीज को समझिए। हां तो प्यारे बच्चों, इस ऊपर वाले चार्ज पर फोर्स लगी प्लस की हुई, नीचे वाले पर लगी माइनस की हुई, तो एक बात बताइए इस पूरे डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स नीचे लिखा है सर ने जीरो, नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है, क्योंकि जब किसी सिस्टम के दोनों एंड्स के ऊपर, बोथ द एंड्स के ऊपर, समझ लो इस चीज को बताया भी है मैंने, जब किसी सिस्टम के दो अपोजिट एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो वो किसकी फॉर्मेशन करती है, वो कपल की फॉर्मेशन करती है। तो इस चीज को मैं बोलूं, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, समझना, आप लिख भी सकते हो, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कंस्टिट्यूट्स एन ए कपल एंड द कपल हैव टेंडेंसी, कि सर ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल बनाएंगे और इस कपल की टेंडेंसी होगी कि मैं इस डायपोल को रोटेट करवाऊं, किस डायरेक्शन में रोटेट करवाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये कौन घुमा रहा है इसको, आपने थीटा एंगल पर रखा, इसको घुमा कौन रहा है, आप नहीं घुमा रहे, ठीक है मैं नहीं घुमा रहा, कोई चुन्नी नहीं घुमा रही, कोई चुन्नू नहीं घुमा रहा, कौन घुमा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा रहा है, इसको समझो, मतलब इसको घुमाने में बाहर के किसी बंदे की कोई जो है इंटरफेरेंस नहीं है, कोई हरकत नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिखा भी है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव साइड अपनी तरफ खींच लेगी और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को ऐसे, तो ये ऐसे घूम रहा है जैसे गाड़ी का स्टेयरिंग घूमता है, तो इसको ऊपर लिखा भी एरो से क्लॉकवाइज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने आप घूम रहा है ये अपने आप, जब आप किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर छोड़ दोगे तो अपने आप घूमना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी उसमें कोई हरकत नहीं है, आपका उसके अंदर कोई काम नहीं है, अपने आप घूमेगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी,
लेकिन सर मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करनी है ना भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि मैं तो इसको क्लॉकवाइज घुमाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना काम करेगा, उसको करने दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज घुमाए, तुम कहे मैं तो एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं चुन्नी, अब सीन वन समझिए, सीन टू आ गया समझ में, क्या बोला? नेट फोर्स जीरो, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। क्यों? जो यहां फोर्स लग रही है ना सर, वो दोनों एंड्स के ऊपर अपोजिट लग रही है, एक इधर एक इधर, और इक्वल लग रही है। और हम प्लस वन के कॉन्सेप्ट से जानते हैं रोटेशनल मोशन में कि ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मेक्स ए कपल, एंड कपल हैव टेंडेंसी टू रोटेट द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, या थीटा जीरो बने या 180 बने। अरे थीटा किसके बीच में है? पी और ई। थीटा जीरो भी हो सकता है थीटा, अरे वो तो आएंगे स्पेशल केस, बने रहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं सीन टू को फोड़ दिया मैंने, ठीक है। एक्सरे कर रहे हैं आज हम, ठीक है। फिर जो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेसिक समझने के बाद, वो तो बिल्कुल आराम से आ जाएगी, बिल्कुल समझ में, ठीक है। हाँ, सीन वन। अब लेके आया मैं बाहर से एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि चुन्नी। ये चुन्नी दिख रही है, ये चुन्नी है, ठीक है, ये इसके हेयर है। हाँ, तो सर ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ना चुन्नी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम कर रही है ना, उसको करने नहीं दे रही। तो इसका मतलब, मैंने अभी देखो मैंने क्या बोला, जोर देना इस, फोकस करना इस वर्ड पर। मैं अब एक्सटर्नल एजेंट हूं, चुन्नी आई, ठीक है। वो चुन्नी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चुन्नी इसको घुमाना चाहती है, और ऐसा घुमाना चाहती है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर जितनी टॉर्क लगा रहा है, हां यहां जो टॉर्क लग रही है वो आपकी वजह से नहीं लग रही, वो किसकी वजह से लग रही है? तो लिखा भी है सर ने, क्या देखो इधर दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक टॉर्क। तो जितनी ये देखो यहां पर, ये चीज तो क्या लग रही है, ये डॉटेड वाला जो ब्लू लाइन से, ये ब्लू वाली तो है इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी रोटेशनल टॉर्क से, जितनी इलेक्ट्रिकल टॉर्क से इसको घुमा रहा है, उतनी टॉर्क से चुन्नी इसको अपोजिट साइड में, मतलब देखो यहां पर क्या लिखा है, एंटी क्लॉक बाय एक्सटर्नल एजेंट। अभी बोला कि जब हम सर कोई काम करते हैं किसी के अगेंस्ट, तो यहां पर किसके अगेंस्ट काम हो रहा है? क्लॉकवाइज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बात लिख देने से मेरे ख्याल से अब सारे बच्चों को क्लियर हो चुकी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हां वापिस कंसेप्ट वही है कि सर हम यहां पर यह चुन्नी इस डायपोल को इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी की अगेंस्ट घुमा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आप घुमाएगा, चुन्नी इसको इसके अगेंस्ट घुमा रही है। एक चीज वो याद रखना, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर टॉर्क लगा रहा है रोटेशनल, तो उतनी चुन्नी लगाएगी। क्यों? अगर इसने मान के चलो 5 की लगाई, तो ये भी 5 की लगाएगी। इसने 10 की लगाई, तो ये भी 10 का। मतलब हर हालत में हमें एंगुलर एक्सेलरेशन 0 चाहिए, ठीक है, और यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर घुमाना चाहता है किसी थीटा एंगल के थ्रू, और मैं इसको इसके अगेंस्ट घुमाना चाहता हूं। तो किसी चीज को किसी के अगेंस्ट घुमाने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क, हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक डायपोल रखा किसमें? फील्ड में। आई बात समझ में? बेस तैयार, टॉपिक करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका प्रूफ, देखेंगे कि डायपोल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है सर, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। हाँ, बस सर को सपोर्ट करते रहिए, एक अलग तरीके से यूनिक वे में बेसिक्स के साथ टॉपिक को फोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, देखते तो वापिस पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लें, ठीक है, इधर क्रिएट कर लें। अब हम प्रूफ देखेंगे इसका, लास्ट में स्पेशल केस के साथ इस लेक्चर को हम बाइंड अप करेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज टू कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, बताइए कि सर मुझे यहां दिक्कत आ रही है, ठीक है। नहीं आ रही है तो भी मुझे फीडबैक दीजिए कि सर मजा आ रहा है जैसे। तो स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, गॉट इट। क्या करना है सर? डायपोल रखना है सर, डायपोल ऐसे रखना है, एक आर्बिट्री पोजीशन में, मेकिंग एंगल थीटा, थीटा एंगल पर रखना है। ये रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, ठीक है। थीटा हमेशा किसके बीच में लेना है?
पी और ई के बीच में होता है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। हाँ, अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किधर घुमाना चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज। और चुनी इसको, मतलब मैं, या चुनी बोल दो या मैं बोल दो, ठीक है, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूं, इसको एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, जितनी ताकत से ये घुमाएगा उतनी ताकत से मैं घुमाऊंगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। तो करना क्या है आपको, ठीक है, अगर मैं ये कहूं इस डाइपोल को मैं ऐसे ले आऊं, ऐसे, ये मानो ऐसे ऐसे, अरे ये था, अगर मैं ये ना लूं, ये ना बनाऊं, ठीक है, ये ना बनाऊं, समझना इसको, ये ना बनाऊं, ठीक है, वापिस ऐसा का ऐसा पड़ा है, ठीक है। अगर आप कुछ ताकत ना लगाओ, आप कुछ इसके अंदर हरकत ना करो, कुछ मेहनत ना करो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम करेगा ना इसमें, अरे ये काम तो होगा ही नहीं, ये काम तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर घुमाएगा, ठीक है, और इधर घुमाएगा, मतलब ये चीज चलेगी, इसको ये ऐसे घुमाता रहेगा क्लॉकवाइज, लेकिन ये जैसे इधर घुमा रहा है मैं इसको वैसे घुमाऊंगा, इधर घुमाएगा ऐसे घुमाऊंगा मैं इसको, मतलब ये जितना काम ये करेगा उतना काम मैं करूंगा। तो किसी के अगेंस्ट करोगे तभी तो पोटेंशियल एनर्जी छोड़ोगी, समझ में। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर कोई हरकत ना करूं, कुछ मेहनत ना करूं, तो ये थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और फिर ऐसे, जब तक इसके साथ लेट ना जाए, सीधा ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा रहा है, आप नहीं घुमा रहे, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं ना कि मैं घुमाऊं, कितना कैसे घुमाऊं, अरे यार थोड़ा सा और रब करना पड़ेगा। चलो कोई ना, बेसिक समझ में आ रहा है, दोबारा से बनाते हैं, ये चीज भी समझानी जरूरी थी ताकि बच्चों के अंदर किसी प्रकार का कोई जो है भय ना रहे इसी से रिलेटेड। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अब सारा बेसिक मैंने समझा दिए, अब बिल्कुल हम प्रूफ पर बात करेंगे। तो सर डाइपोल रख दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको इधर घुमाएगा, ये थीटा एंगल है, या स्टार्टिंग में जो एंगल बोल दिया वो बोल दिया थीटा वन। इनिशियली दिस डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा वन, इनिशियल एंगल, स्टार्टिंग एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ये ऐसे समझो, ठीक है, ये बीच बीच में थोड़ा सा मैं आपको डॉटेड दिखा दूं, तो ये आपको ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है, ये माइनस क्यू जो है ये आपका, ये क्यू अब इधर आ गया, और ये समझो ये क्यू इधर आ गया, ये माइनस क्यू इधर आ गया, तो इसका मतलब अब ये डाइपोल की फाइनल, ये डाइपोल की कौन सी पोजिशन है, ये इनिशियल। लेकिन आप एक बात बताओ, डाइपोल को किधर घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, कौन घुमा रहा है, चुन्नी, और ये कैसे घूम रहा था, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब काम तो ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो जितनी इलेक्ट्रिकल टॉर्क लग रही है उतनी एक्सटर्नल टॉर्क लगा रही है कौन, चुन्नी, ताकि एंगुलर, इसको नोट में लिख लो अलग से, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रहना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो का मतलब सर इलेक्ट्रिकल टॉर्क फील्ड की वजह से बराबर होगी एक्सटर्नल टॉर्क, ये चीज है, ताकि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रहे, स्पीड बिल्कुल जो है वो बिल्कुल स्मॉल रहे, आई मीन कांस्टेंट स्पीड रहे। हाँ या गया। तो सर अब एक बात बताओ, जब ये इनिशियल पोर्शन पे था तो इसने एंगल बनाया थीटा वन, अब मैंने इसको यहां से यहां घुमा रहा हूं, लेकिन किसके अगेंस्ट घुमा रहा हूं, नेचुरल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घुमा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहता है कि मैं तो इसको इधर घुमाऊं, तू इसके इधर घुमा रहा है, तो तू इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घुमा रहा है, इतना एंगल घुमा दिया तूने। तो हमने बोल दिया कि सर हम इस डाइपोल को किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक किसी स्मॉल एंगल से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, डी थीटा। और जब फिजिक्स में हम कोई स्मॉल काम करते हैं, कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग स्मॉल वर्क डन होता है, तो फॉर डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी डब्ल्यू वर्क इज डन, ठीक है। लेकिन हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, सर मैंने तो इस डाइपोल को इस एंगल से इस एंगल तक लेके जाना है, वो फॉर्मूला आएगा, तो समझो, तो लेट डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ, प्यारे बच्चों, वर्क इज डन, लेट डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, थ्रू एन एंगुलर, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है एंगल में हो रही है, थ्रू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाय
अप्लाइंग, क्या अप्लाइंग करके, एक्सटर्नल टॉर्क एजेंट, मतलब बंदा आ रहा है बाहर से भाई, अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क ठीक है, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट, जो इक्वल रहेगी और अपोजिट टू इलेक्ट्रिकल टॉर्क, इस चीज को भी लिख लो ठीक है। दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई एंगुलर एक्सेलरेशन की, सर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बिकम्स जीरो, कि एंगुलर एक्सेलरेशन पांडे जी जीरो हो जाए ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जब यहां तो थीटा वन, इसको एक बार भूल जाओ, ये एंगल कौन सा, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड में लिख रहा हूं थीटा टू है, स्टार्टिंग का डाइपोल एंगल बना रहा है थीटा वन, फाइनल वाला क्वेश्चन वाला डाइपोल थीटा टू, लेकिन थीटा टू और ये थीटा वन के बीच में ये जो है ना, ये है डी थीटा। स्क्रीनशॉट लेके मैग्नीफाई करके समझिए, इनिशियल पोजीशन में पड़ा डाइपोल थीटा वन बना रहा है, फाइनल पोजीशन में डाइपोल थीटा टू घुमा रहा है, इतना घुमाया आप इधर घुमा रहे हो, डी डब्ल्यू वर्क डन किया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी की अगेंस्ट ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, वही तो स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में। अब सर फिजिक्स में वर्क डन चाहिए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन यहां फोर्स लीनियर नहीं आएगी, रोटेशनल फोर्स काम आएगी, टॉर्क काम आएगी, तो टाउ इंटू डी थीटा गिव्स यू डी डब्ल्यू, वर्क डन डी वर्क वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या, टाउ इंटू डी थीटा ठीक है। तो देखें क्या आएगा, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपने अच्छे से समझ ली, उतार लिए, बढ़ते हैं आगे पांडे जी। तो लास्ट में देखेंगे स्पेशल केस ठीक है, तो साथ साथ उतारते रहना, और अच्छा लगे लेक्चर, अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताना ठीक है। हाँ तो सर डी डब्ल्यू होगा टाउ। अच्छा एक बात बताओ, जो वर्कडन आप दो तरीके से निकाल सकते हो, वर्कडन आप इलेक्ट्रिकल टॉर्क की वजह से भी निकाल सकते हो, एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से भी निकाल सकते हो ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है वो एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर रहेगी ठीक है। हाँ एक चीज और देखो, बड़ी ब्यूटीफुल गजब की चीज है डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है मैं तो इधर खींचूंगा, तू कहता है कि मैं तो इधर खींचूंगा, तो मान के चलो तूने उसके अगेंस्ट इक्वल ताकत लगा के बराबर वर्क डन करके तूने इसको यहां यहां सिचुएट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करके इस पॉइंट पर जब ये डाइपोल आएगा इस पोजीशन पर डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा के, तो इस पॉइंट पर ये कोई ना कोई एनर्जी लेके बैठा है पोटेंशियल, तो किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो फॉर्मूला क्या वो देखेंगे ठीक है। तो अब एक बात बताइए मुझे, यहां डाइपोल घुमा दिया आपने इसके अगेंस्ट, और जैसे ही आप अपना ये हाथ हटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नॉर्मली वापिस खींच लेगा, अरे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा और उस अट्रैक्ट में आपका कोई काम नहीं होगा, जैसे आप अपने हाथ का कनेक्शन हटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी, जब तक आपने इसको घुमा के अपने हाथ को यहां तक बनाया रखा है, आपका एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट बना हुआ है, और एज यू रिमूव जैसे हटाओगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी पांडे जी काइनेटिक में बदल जाती है, और कितनी गजब की बात है, मजा आ गया। हाँ इसका मतलब हमने ये देखा, अगर मुझे किसी चीज में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करानी है तो मुझे उसको एक्सटर्नल फोर्स से टॉर्क से उस पॉइंट पर बनाए रखना होगा, छोड़ दूंगा ना तो वो एकदम से स्पीड एक्वायर करेगा काइनेटिक एनर्जी ठीक है। हाँ तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, थीटा आई बस समझ में डी थीटा। तो एक बात बताइए, टॉर्क इंटू में ये जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपको स्मॉल वर्क डन देगा डी डब्ल्यू। हाँ जी ठीक है। और सर हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था जिसकी डायपोल मोमेंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मेकिंग एंगल थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था पी ई साइन थीटा। अरे बिल्कुल पढ़ा था, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना, अच्छे से पढ़ा है, चलो ठीक है। तो सर टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पी ई साइन थीटा आई बस इंटू डी थीटा, ये आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू। ये डी डब्ल्यू किया आपने फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, लेकिन नाउ अब लिखना है आपको नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, इन रोटेटिंग द डायपोल
डाइपोल फ्रॉम एंगल, स्टार्टिंग में कितने एंगल पर था, थीटा वन, फ्रॉम एंगल थीटा वन टू, ठीक है, थीटा वन टू, थीटा टू मान लो, आई बात समझ में। तो थीटा वन से थीटा टू एंगल रोटेट करने के लिए हमें कितना टोटल अमाउंट ऑफ रिडन करना पड़ेगा, तो हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, हाँ। तो आप चाहे इलेक्ट्रिकल टॉर्क की वजह से निकालो, एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से निकालो, ठीक है, तो एनर्जी सेम आएगी। ठीक है, तो यहां से यहां अगर मैं इस डाइपोल को अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर रोटेट करूंगा, चलो उस पर बाद पे आते हैं, पहले ये समझो। हाँ, तो डी डब्ल्यू क्या है हमारे पास, सर पीई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। चलो एक डायग्राम और समझा देता हूं जो अभी बात की थी वो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वापिस, ठीक है। तो सर ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। दोबारा से वापिस प्यारे बच्चों, ये बनाया डायपोल, नेगेटिव ये पॉजिटिव, हाँ ये थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है। तो यहां लग रही है इलेक्ट्रिकल टॉर्क, थोड़ी देर में डायपोल ऐसे आ गया, ऐसे आ गया मान के चलो, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको हमने ऐसे बोल दिया, ये वाला, ये बड़े वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, ये डाइपोल पहले ऐसे था, अब ये थोड़ा सा ऐसे आ गया, ठीक है। ये एंगल जो है ये थीटा वन है और ये एंगल थीटा टू है। अब ये यहां से यहां आया, ये एरो इधर नीचे आया है, कितना है डी थीटा। सर यहां पे तो डी थीटा ऐसे आया था ऊपर, तो ये जो आप डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो, ये तो एक्सटर्नल एजेंट करवा रहे हैं ना, और ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो बात एक ही है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क की वजह से अगर आप डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराओ, तो वहां जो वर्क डन आएगा वही वर्क डन यहां आएगा, बस वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, बस वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो डी थीटा डिस्प्लेसमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में लग रही है, यहां पर हम इसके साथ आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट काम करेंगे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है, तो क्या आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, थीटा की वैल्यू थीटा वन, इनिशियल एंगल थीटा वन, लेके जाना है थीटा टू पर थ्रू एन एंगल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, तो ये हमारे पास आ गया थीटा टू। इसको बाहर ले ले, पीई साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा लिमिट थीटा वन से थीटा टू। अरे चाहे थीटा वन से थीटा टू आप यहां जाओ, चाहे थीटा वन से थीटा टू आप इसके अगेंस्ट आओ, तो यहां से जो वर्क डन होगा वही वर्क डन जो है इस केस में स्टोर्ड होगा पांडे जी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की वजह से लगने वाली, इस फील्ड की वजह से लगने वाली टॉर्क और इस एजेंट की वजह से लगने वाली टॉर्क हमेशा बराबर रहती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये आपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, जब आप एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहे थे, तो वर्क डन चाहिए आप एक्सटर्नल फोर्स से निकालो, चाहिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कितना है ये, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस पीई कोस अपर लिमिट कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, डायपोल फ्रॉम सम इनिशियल एंगल थीटा वन टू फाइनल एंगल थीटा टू थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो ये इधर क्या चल रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और यही किस में स्टोर होता है, बड़े यू में। तो फॉर्मूला बड़ा, माइनस पीई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। जब आपका डायपोल इस थीटा वन पोजिशन पे है, तब इसके पास एक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। आपने इसको डी थीटा घुमाकर जब इधर ले आए थीटा टू एंगल, तब इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब हमें चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या चाहिए हमें, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो आपको वर्क डन ही देगा। तो मतलब ये चीज किसके बराबर चल रही थी, ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन चल रहा था। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू। तो डेल्टा यू को हम यहां लिखेंगे माइनस पी ई कोस थीटा टू, ये माइनस ऑफ माइनस पीई कोस थीटा वन,
ये जो माइनस पी ई कोस थीटा टू है ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है जब आपका डाइपोल घूम के इस पोजिशन पर आ गया या इस पोजिशन पर आ गया, दोनों में एक ही चीज है, सेम चीज है। और ये सर इनिशियल जब डाइपोल ऐसे पड़ा था, ये ब्लू वाली लाइन यहां और ये वाली लाइन, ये इसका, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डी की ट्रायंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पोंडिंग किया गया क्या है, वर्कडन है। और वो वर्कडन सर स्टोर्ड होगा किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी में, ये बराबर डब्ल्यू चल रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो अब लिखना है स्पेशल केस, नोट कर लेना, हेडिंग लिखना, ये फॉर्मूला बन गया है। अगर आपको किसी एक एंगल से दूसरे एंगल पर जाना हो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखना हो, पोटेंशियल एनर्जी देखना हो, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर लोकेटेड किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी देखनी हो कि मैंने तो सर इसको यहां से उठाकर यहां रख दिया, तो यहां रख दिया तो यहां पर अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी लेके बैठा है, अब वो देख रहे हैं। तो अब स्पेशल केस, और उस स्पेशल केस से आपको आइडिया लग जाएगा कि सर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब है और मैक्सिमम कब आएगी, कैसे आएगी। तो यस, राइट डाउन पांडे जी, स्पेशल केस पहला स्पेशल केस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि अच्छे से और समझे। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बताना, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे यहां पर दिक्कत आई है, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों स्पेशल केस वन, ये ठीक है, इधर देखो, ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये सारा पॉजिटिव है, ये सारा नेगेटिव है, ठीक है, समझ गए सर। वापिस इसके अंदर हम एक डाइपोल रख रहे हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन 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 स्पेशल केस बता रहे हैं ना, तो इस डाइपोल को हम इनिशियली राइट एंगल पर रखेंगे, ठीक है, जो हम एक नॉर्मली कन्वेंशन लेके चलेंगे, डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, ये है हमारा नेगेटिव, ये है हमारा पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है, 90, तो इनिशियल एंगल कितना दे दिया, 90, ठीक है। और अभी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के अंदर का फॉर्मूला क्या पड़ा था, माइनस पीई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, ये आपका इनिशियल एंगल है, ये आपका फाइनल एंगल है कि आप उस डाइपोल को कहां से कहां घुमा रहे हैं। तो सर थीटा वन है 90, तो सर मैं इसको नॉर्मल पोजीशन से किसी एक थीटा एंगल पर घुमा रहा हूं, कोई भी एंगल हो सकता है, एनी एंगल, मतलब मैंने सर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि सर ये जो एंगल है ना, ये थीटा टू है, जो किसके बराबर है, थीटा, तो इस एंगल पर जब आपका, मतलब आपको इतना घुमाना है कि 90 से ये कोई एक एंगल बना ले एक्स एक्सिस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो अब बताइए मुझे कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, फॉर्मूला लगाइए ना इसमें, हाँ। तो क्या आया, माइनस, पहला केस दिख रहे हैं, इनिशियली नॉर्मल में घूम के यहां आ गया, तो ये जो है अब एंगल थीटा, तो अब सर इस थीटा एंगल पर इस डाइपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तो माइनस पीई कोस थीटा, अरे थीटा टू की जगह क्या है थीटा, ये थीटा टू है, तो यहां कितना आ गया, कोस थीटा माइनस थीटा वन कितना, 90, कोस 90 जीरो। तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर डाइपोल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो कितनी है, माइनस पीई कोस थीटा। तो ये जो आया है इधर से, इधर जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है, लेकिन मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घुमाना हो, इतना ही घुमाना हो, तो जितना यहां से यहां है उतनी ही एनर्जी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल में, ठीक है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, इसी को याद रखना, हाँ। तो माइनस पीई कोस थीटा, ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, स्पेशल केस वन हो गया। अब इसी में स्पेशल केस हम देख रहे हैं टू, ठीक है, अगर थीटा वन है 90, क्या है, थीटा वन 90, और मैं इसको इतना घुमा दूं कि ये जीरो एंगल बना ले किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिचुएशन कैसी बनेगी, स्पेशल केस टू देखो, ठीक है, दिमाग में इसकी पिक्चर बनाओ मुझे जल्दी से, और वहां पुट करके बताओ कितनी आएगी। सर वापिस इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड स्पेशल केस देख रहे हैं, ठीक है, सेकंड,
सर वापिस मैंने इनिशियल, हाँ इनिशियल डाइपोल कितने एंगल पर पड़ा, 90, तो सर ये 90 वाला, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ये एंगल इनिशियल थीटा 190, और सर ये ऐसे हो गया, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस नेगेटिव को पकड़कर पॉजिटिव ने इधर खींच लिया और इस पॉजिटिव को नेगेटिव ने पकड़कर इधर खींच लिया, तो ये जो काम हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ, और ऐसा करने में एक्सटर्नल एजेंट ने यानी कि मैंने वर्क डन नहीं किया है, सारा काम इलेक्ट्रिकल ने किया है, ठीक है जितना इलेक्ट्रिकल करेगा उसका नेगेटिव वर्क डन जो है वो स्टोर हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे उल्टा करके निकालो कोई फर्क नहीं है, समझ लो इस चीज को, ठीक है हाँ ठीक है। तो सर ये ऐसे था, तो सर ऐसे करके घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के ऐसे हो गया, तो अब एक बात बताइए थीटा जीरो कब होगा, थीटा किसके बीच में है, थीटा पी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो सर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड हो जाएंगे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अब ये नेगेटिव यहां आ गया ये पॉजिटिव आ गया ये डाइपोल मोमेंट आ गई, दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा जीरो, तो प्यारे बच्चों जब थीटा जीरो हो जाता है तो आपने ये चीज यहां पर देख ली कि सर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों अलाइंड हो जाते हैं, दोनों एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, और ये केस बन जाता है प्यारे बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम का, और आपको पता है कि हर अनस्टेबल चीज वांट्स टू बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहती है, तो जब आपका डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में आ जाता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बन जाता है पांडे जी। तो अब हम बढ़ते हैं क्या, हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम तो आ गया, तो अब एक बात बताइए कि आपने इस डाइपोल को थीटा 190 से थीटा 20 पर लेके आए हो, तो बताओ ये काम करने में इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड करवाई, तो हम वो यू चेक कर रहे हैं, तो आप इजीली यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस पीई कोस थीटा 2, तो कब तक ले गए जब थीटा 2 हमारा जीरो हो जाता है, तो कोस 0 और कोस 90 तो ये हमारे पास जीरो है ही, कोस 0 कितना होता है, यू नो कोस 01, तो सर जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई वो कितनी हुई, माइनस पीई, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों, क्योंकि ये जो काम किया है ये तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव ने खींच लिया और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने खींच लिया और घूम कर ऐसे सीधा हो गया, ठीक है इसमें एक्सटर्नल एजेंट ने कोई वर्क डन नहीं किया, तो हम कहेंगे दिस इज द केस ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो तब स्टोर होती है ना जब हम किसी के अगेंस्ट काम करते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने घुमा दिया इसको, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हम चाहते हैं, अब मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आए और नेगेटिव नेगेटिव, तो यार नेगेटिव को नेगेटिव के पास ले जाने के लिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास ले जाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वही तो स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो लास्ट केस है, स्पेशल केस थर्ड पांडे जी, और खत्म करते हैं आज के इस लेक्चर को बड़े ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, क्यों, क्योंकि अब जो आप डाइपोल को घुमाओगे वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट घुमाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता इधर लेकिन तुम चाहते हो मैं तो इधर, तो उसके अगेंस्ट अब पसीना बहाना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्पेशल केस थर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पांडे जी, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हाँ। तो अब ये डायपोल रख दिया हमने, ठीक है डायपोल वापिस हमने डायपोल रख दिया इनिशियल एंगल 90 पर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एंगल 90, ठीक है ये डायपोल में, तो इनिशियल एंगल स्टार्टिंग में ये डायपोल किस एंगल पर पड़ा, 90। अब मैं ये चाहता हूं क्योंकि इस पॉजिटिव को तो ये नेगेटिव इधर खींचना चाहता है और इस नेगेटिव को पॉजिटिव इधर खींचना चाहता है, मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाए नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा करने के लिए मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही वर्क डन किसमें स्टोर होगा पांडे जी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या था, यू माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा घुमाना चाहता हूं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनाना चाहता हूं कि डाइपोल थोड़ी देर में ऐसे हो जाए, मतलब ये वाला जो नेगेटिव है वो नेगेटिव की साइड वहां चला जाए और ये पॉजिटिव यहां आ जाए,
और इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर बना ही हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर बनी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डायपोल मोमेंट है। तो अब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो अपोजिट हैं, इनके बीच का एंगल 180, ठीक है, 180 एंटी पैरेलल है। तो अब सर ऐसा काम करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का दिया सर, इससे पहले वाला मिनिमम का था, क्योंकि उसमें तो सारा ही काम इलेक्ट्रिकल ने किया, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, तो वो तो अपने आप हो रहा था, इसमें आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव को इधर खींचना चाहता, लेकिन आप तो इस नेगेटिव को इसके पास, पॉजिटिव को पॉजिटिव, तो लाइक चार्जेस को एक साथ बना के रखने के लिए हमें वहां पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है ना, वर्क डन करना पड़ता है। माइनस पीई कोस थीटा टू कितना है, घुमा कर इतना करना है कि एंगल कितना हो जाए 180, कोस 180, कोस 90 जीरो, और कोस 180 माइनस वन, तो माइनस पीई पांडे जी और माइनस वन, तो ये प्लस में, प्लस में पी, तो ये आ गई सर हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस आ गया पांडे जी, आई बात समझ में। तो वापिस बता रहा हूं, लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है, टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम हो रहा है, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड करे तो आपके इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, आपकी कोई हलचल नहीं है, इसके अगेंस्ट जब आप काम करोगे ना तब तब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और उतनी ही होगी जितनी ये करेगा उतनी आप कर दो, बस वो नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में करेगा तो वो नेगेटिव में करेगा, बात सिंपल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने बड़े बेसिक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकाली डाइपोल की एक्सटर्नल फील्ड में। अगर मजा आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, कैपेसिटेंस की सीरीज शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो तब तक के लिए घर रहिए, लेक्चर्स एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।